वेलकम टू द शमास रेसिपी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी खजूर रोल की रेसिपी। ये एक बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत इजी रेसिपी है और बहुत ही एनर्जी रेसिपी है, एनर्जी देने वाली रेसिपी है और सबसे अच्छी बात है कि ये शुगर फ्री है। शुगर फ्री इसलिए क्योंकि डेट से बनती है, खजूर से बनती है। खजूर जिसमें बहुत सारा आयरन होता है और साथ में डलते हैं ड्राई फ्रूट जिसमें बहुत सारे प्रोटीन और आयरन दोनों होते हैं। बहुत इजी रेसिपी है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं खजूर रोल। खजूर रोल बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कप खजूर ले लिए हैं, इनके सीड्स निकाल लिए हैं देखिए, साथ ही ले लिए हैं 1 कप के करीब ड्राई फ्रूट। आपके पास जो ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। इलायची ले ली है, आप इसकी जगह इलायची पाउडर भी ले सकते हैं। 1.5 टेबल स्पून के करीब देसी घी ले लिया है, साथ ही हमने ले ली है ये खसखस जिसे पॉपी सीड भी बोलते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं खजूर रोल। सबसे पहले हम खजूर लेंगे और खजूर को इस मिक्सर बाउल में डालेंगे, साथ ही खजूर को अच्छे से ग्राइंड करेंगे। बिना पानी के ग्राइंड करना है फ्रेंड्स, हमें इसे ग्राइंड कर लेते हैं खजूर को। खजूर को हमने ग्राइंड कर लिया है, देखिए कितनी बढ़िया तरीके से ग्राइंड हो चुका है खजूर। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे अपना शुद्ध देसी घी। मेल्ट होने देते हैं घी को। घी मेल्ट हो चुका है, गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो करते हैं। इसमें डालेंगे खजूर। आप इसे विंटर में बनाएंगे, यकीनन ये बहुत ही एनर्जी वाली रेसिपी है, बहुत अच्छी रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छे से मिला लेते हैं इसे, खजूर को बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे। इसमें सिर्फ 2 या 3 मिनट का काम है बस, ये ज़्यादा नहीं करना है हमें इसे। ये ऐसे से करके अच्छे से कर लेते हैं 2 या 3 मिनट के लिए बस, इसे ज़्यादा नहीं। गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो रखना है, नहीं तो आपके खजूर जल जाएंगे और गैस का फ्लेम तेज़ होगा। बहुत ही एनर्जी वाली रेसिपी है, आप ज़रूर बच्चों को बना के खिलाइए, आपके घर में बुजुर्ग हैं उन्हें बना के खिलाइए, आप खुद खाइए, आप खुद फर्क महसूस करेंगे सिखाने के बाद। कोड़ लेते हैं 2 मिनट और। खजूर अच्छे से इसमें फ्राई हो चुके हैं, देखिए बिल्कुल इन्होंने घी ऑब्जर्व कर लिया है, बिल्कुल गायब हो चुका है घी। अब हम डालेंगे इसमें ड्राई फ्रूट्स। अच्छे से मिलाएंगे ड्राई फ्रूट्स को इनके साथ। अभी देखिए बिखरे बिखरे से लग रहे हैं, अभी सारे एकत्र करने हैं हमें। आपके पास जो ड्राई फ्रूट हो आप वो डाल सकते हैं, अखरोट डाल सकते हैं, चिरौंजी डाल सकते हैं, पिस्ता डाल सकते हैं, मेरे पास जो अवेलेबल थे मैं वो डाल रही हूँ। पम्पकिन सीड डाल सकते हैं आप, इसमें गोंद डाल सकते हैं। देखिए एक डो के रूप में आ चुका है अच्छे से। कन्वर्ट हो चुका है बिल्कुल डो में। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब हम थोड़ा ठंडा होने के बाद डालेंगे इसमें इलायची को, हमने दरदरा पीस लिया है, इसको डाल देते हैं, मिला देते हैं। एक बहुत अच्छी स्मेल सी आ जाएगी इलायची की, अच्छे से मिला लेते हैं। ये हमने डो निकाल लिया है, ये भी बहुत गर्म है, इससे आपकी उंगलियाँ जल सकती हैं। इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं, लेकिन ज़्यादा ठंडा होने देना नहीं है, ज़्यादा ठंडा होते ही बहुत कड़क हो जाएगा। और इतना गर्म रखना है कि आप इसे टच कर सकें इजीली। थोड़ा सा ये ज़्यादा गर्म है, थोड़ा ठंडा होने देते हैं इसे। ये देखिए ये ठंडा हो चुका है, अब इसका हम एक रोल टाइप में बना लेंगे अच्छा सा। अभी थोड़ा मुलायम है, इसके रोल लगा के हमें फ्रिज में रखना पड़ेगा इसे। और हमारा जो ट्रे गया है उसे भी लगा लेते हैं इसमें, हम हटा लेते हैं इसे। अब लेते हैं अपनी प्लेट जिसमें हमने बिखराई है खसखस और पॉपी सीड, इसको रोल करेंगे इसमें। ऊपर से नीचे से हर जगह से ऐसे रोल कर लेंगे अच्छे से। इसको फ्रिज में रख देते हैं हम ठंडा होने के लिए, फिर हम इसको काटेंगे। आधे घंटे के लिए रख देते हैं सिर्फ।
आधा घंटा हो चुका है फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा डो बिल्कुल सेट हो चुका है। अब हम इसे कट करेंगे, तो इसे कट करते हैं। नाइफ ले लिया है मैंने और ये लेट्स कट। रोल इस टाइप से इसके काट काट के पीसेस बना लेंगे। ये देखिए काट लेते हैं सारे पीसेस को। तो दोस्तों ये मैंने काट लिए हैं खजूर रोल। देखिए कितनी इजी और से बनने वाली रेसिपी है ये, कितनी अच्छी कितनी टेम्पटिंग लग रही है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, सर्दियों के दिनों में ट्राई करेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।